हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं कुछ स्पेशल करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कि हम पार्लर नहीं गए, कुछ नहीं गए, तो आज हम पार्लर जाने वाले हैं थोड़ा सा पर्सनल पैम्परिंग के लिए। तो अभी मतलब थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, थोड़ा पैम्परिंग खुद को भी कीजिए। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए खुद पे, और जिनको पॉसिबल है, जिनको नहीं है होता है पॉसिबल थोड़ा ये, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। घर में कुछ जैसे पुराने नुस्खे होते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। पर खुद पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और खुद को थोड़ा अपडेट कीजिए। थोड़ा सा पुराना स्टफ़ देखने वाले हैं हम अभी थोड़ी देर में, कि जो साड़ियाँ हैं अम्मी हम जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका यूज़ करने के सोच रही हूँ। तो अभी तो आपने बर्थडे वाले इसमें देखा होगा कि मैंने एक ड्रेस वेयर किया था, वो साड़ी थी पिंक वाली, उससे मैंने उसे रीयूज़ करके मैंने उससे ड्रेस बनवाया था वो, और थोड़ा बहुत तो मैंने उस पर वर्क वगैरह किया है। तो मैं वो एक ड्रेस आपके साथ डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी थोड़ा देखते हैं। मेरे कबर्ड की सफ़ाई नहीं हो रही है, मम्मी की कबर्ड की सफ़ाई हो रही है। उन्होंने बहुत दिन हुए सफ़ाई नहीं की है। सफ़ाई यानी जो रेगुलर नहीं होता, जो हम पार्टी वेयर्स वगैरह रखते हैं या साड़ियाँ वगैरह रखते हैं जो बाहर के फंक्शंस के लिए होती है, वो क्लीन कर रहे हैं। और अभी ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से तो ना पार्टी में जा रहे हैं हम, ना कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, ना कोई शादी अटेंड कर रहे हैं। तो वो सारा सामान पैक करके रखा है, हम मतलब गए ही नहीं है कहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जस्ट जाना रहा तो बाहर मार्केट जाना, सब्जियाँ लाना, घर के लिए ग्रॉसरी लाना, बस उसी में बिजी है। ना घूमने जा रहे, ना कुछ जा रहे, ना कुछ जा रहे। तो देखते हैं अभी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए आज हमने खजाना निकाला है पुराने वाले कपड़ों का। साफ़ सफाई चालू है ये रूम में, वार्डरोब की पुराना सारा खजाना निकल रहा है। साफ़ सफाई यानी जो भी हम पुराने कपड़े लेते हैं, या फिर कभी हम भूल जाते हैं हमारे पास और भी कपड़े हैं, या फिर जो हमें होते नहीं, छोटे होते हैं, पुरानी चीज़ें जो साड़ियाँ होती है, सो वो सब हम वार्डरोब क्लीन करते हैं तब देखते हैं, ताकि हम उसे रीयूज़ कर सके या फिर पहन सके। कभी कभार कैसे होते, कुछ चीज़ हम ले लेते हैं और हम रख देते पर हमें याद नहीं होती कि ये वार्डरोब में कहाँ पड़ी है। तो और थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है कपड़ों की, क्योंकि वो रखे रखे पैक रहते हैं तो उसे स्मेल लग जाता है, इसलिए हम उसे थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। और हम बाहर जाते हैं तो वैसे ही कपड़े ला के रख देते हैं, या फिर वैसे ही पड़े रहते, प्रेस नहीं होते, या फिर इसका किसी का लेगिन अलग रख देते हैं, किसी का कुर्ता अलग रख देते हैं, दुपट्टा अलग रहते हैं, तो थोड़ा मेसी हो जाता है। तो साफ़ सफ़ाई करना ईजी है, इसके लिए हम कुछ बैग्स यूज़ करते हैं। कुछ बैग्स वगैरह का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और ऐप का लिंक भी दे रही हूँ जहाँ से मैंने ये बैग्स मंगवाई है। और कुछ बास्केट्स है, ये भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, अगर अमेज़न वगैरह पे अवेलेबल होंगी तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, या फिर रिलायंस, विशाल या फिर बिग बाज़ार में आपको ये इजीली मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। डीमार्ट वगैरह में भी मिलती है ऐसी बास्केट्स, तो ये इजी हो जाता है। जो छोटे कपड़े होते हैं जैसे रुमाल, सॉक्स, ब्लाउज, ऐसे जो इनर वेयर्स वगैरह जो छोटे कपड़े होते हैं, उसे बास्केट में रखना इजी हो जाता है और वो दिखने में भी अच्छा लगता है। और जो कुछ चीज़ें हम ऐसे होता है कि बास्केट ही उठा लिए तो बेटर है, क्योंकि हमें ढूंढने में इजी हो जाता है, इसलिए बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं आप। नहीं तो आप ऐसे बैग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेट्स हो गए, साड़ी के सेट्स हो गए, जैसे साड़ी ब्लाउज़ वगैरह हम एक साथ सेट में रखते हैं, या फिर ड्रेस हो गया जैसे कुर्ता पैजामा दुपट्टा वगैरह, जो ऐसे सेट्स होते हैं उसके लिए हम ये बैग यूज़ कर सकते हैं। बैग्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ,
तो आज हम ऐसे ही साफ सफाई करने बैठ गए हैं, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि आज साफ सफाई करेंगे करके। तो हम सोच रहे थे कि जो भी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ हैं, जो उनकी शादी की साड़ियाँ वगैरह है, वो ऐसे ही पड़ी है, बहुत दिन हो गया हम उसे, वो अभी पहनती है, क्योंकि जब उनकी शादी हो गई थी तो जो उस समय के ब्लाउज़ वगैरह है वो अभी उनको फिट नहीं आते। कुछ ब्लाउज़ ख़राब भी हो जाते हैं समय के साथ साथ, या फिर कुछ साड़ियाँ ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, रंग चला जाता है। तो ऐसे साड़ी को हम रीयूज़ कैसे करें, तो हमने रीयूज़ के लिए कुछ साड़ियाँ निकाली हैं, कुछ ड्रेसेस जो पुराने हैं, जो हम बाहर पहन के नहीं जाते, वो घर में पहनने के लिए निकाले हैं। पर यहाँ हमने इम्पोर्टेंट निकाली है साड़ियाँ, क्योंकि साड़ियों को हम रीयूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं और यादें होती है हर साड़ी के साथ कनेक्ट होते हैं हम, हर ड्रेस का कोई ना कोई स्टोरी होता है तो उससे हम कनेक्ट होते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ साड़ियाँ निकाली है, तो इसका हम रीयूज़ करना चाहते हैं। रीयूज़ यानी कोई ड्रेस या फिर लहंगा या फिर को अच्छा जो भी टेलर सिलवा के दे वो। तो मैंने इससे पहले भी उनकी एक साड़ी रीयूज़ करके मैंने एक ड्रेस सिलवाया था, प्लेन पिंक कलर की साड़ी है। आपने जो मेरे हस्बैंड का जो बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग था उसमें मैंने जो ड्रेस पहना था वो साड़ी रीयूज़ करके पहना था, वो ड्रेस मैंने यहाँ सिलवाया था यहाँ पे टेलर के पास से। वो एक्चुअली प्लेन पिंक कलर की साड़ी थी और उस पर जो भी थोड़ा स्टोन वर्क वगैरह किया है वो मैंने घर में किया था। तो हम मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा ही कुछ करूँ। अभी उनकी बाकी की बची हुई जरी की साड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। तो आपके पास कुछ सजेशंस होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में इमेजेस वगैरह या फिर फ़ोटोज़ वगैरह भेज सकते हैं, अच्छे डिज़ाइंस आपके पास अवेलेबल होंगे ड्रेस वगैरह की। तो ट्रेडिशनल इंडियन ही चाहिए, हम ज़्यादा वेस्टर्न ये वेयर नहीं करते हैं। तो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस के, या फिर आप कोई टेलर होंगे तो आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर इंस्टाग्राम का जो आईडी है मेरा मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दे रही हूँ, इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपके इंस्टाग्राम आईडी से आप फ़ोटो शेयर करके मुझे टैग भी कर सकते हैं। आप टैग करेंगे मुझे तो वो आ जाएगी फ़ोटो, और मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं उसका यूज़ करूँगी और मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जी आपके आइडिया। तो आप मुझे कमेंट में बताइए या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। तो हम ये सब छोटा मोटा जो है वो बहुत दिन से मैसी हो गया था तो उसे ये ठीक कर रहे हैं। जय पार्लर, क्योंकि आज पप्पा भी घर में नहीं है और ये भी ऑफिस गए हैं, तो दोनों आएंगे शाम को 7-8 बजे। और हमने नाश्ते में और खाना एक ही बनाया, मैंने मूली के पराठे, बस उतने में ही हमारा दोपहर का और सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तो अब हम जाएंगे पार्लर, हम दोनों का भी फ्री टाइम मिला है इंजॉय करने का, तो हम कर रहे हैं। नहीं तो बाकी दिन कैसे, फिर दोपहर का खाना अलग से बनता था, फिर मॉर्निंग का। तो दोनों खाना एक में हो गया, सारे काम हो गए हैं, तो अब हम जाएंगे पार्लर। तो मैं रेडी हो जाती हूँ और मिलते हैं पार्लर में। बहुत बादल बादल ही है, धूप नहीं आई है आज। मैं तैयार हो गई मम्मी आने की है। पार्लर बहुत दिन यानी कम से कम 6 या 7 महीने हो गए हम बाहर नहीं गए, बाहर यानी जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसी के लिए जाते हैं। और अभी अभी लॉकडाउन खुला है तो हम जा रहे हैं पार्लर, तो पार्लर में जाके मैं थोड़ा सा क्लीनअप और थ्रेडिंग वगैरह ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही क्योंकि हमें बाहर जाना नहीं। क्लीनअप इसलिए क्योंकि ना मसाज देना जो फेस को होता है वो खुद के हाथों से नहीं होता प्रॉपरली, हम कितना भी अच्छा प्रोफेशनल मसाज क्यों ना करें पर वो खुद के हाथ से जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो उतने प्रॉपर नहीं होते, इसलिए हमें दूसरों के हाथ से करवाना ज़रूरी होता है, उसके लिए हम जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। हम पहुंच गए और ये एवियंस करके था, यहाँ पे पहले दीदी थी, तो यहाँ आके हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे वो दीदी ने छोड़ दिया और यहाँ दूसरा कोई मेंस सैलून बन गया। तो फिर मैंने वो दीदी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उनका जो घर है यहाँ से थोड़ी आगे, तो वहाँ पे वो अभी घर में ही करती हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी वो यहाँ नहीं करते, उनके घर में ही करते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, किसान शॉप है, ग्रॉसरी जो मॉल है वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हम उसी के ऊपर उनके फ्लैट है वहाँ पे करते हैं। तो फिर हम उसके बाद वहाँ गए।
मेरा थ्रेडिंग करके हो गया है, फिर मैं रुक गई थोड़ी देर के लिए। उन्होंने ऐसा एक सेपरेट रूम किया है घर में ही पर्टिकुलर पार्लर के लिए, उनका जो भी वहाँ का सामान था उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है और यहाँ पे ही घर में करते हैं। तो फिर अब वो क्लीनअप कर रहे हैं, मैं नॉर्मल जो पपाया वाला क्लीनअप है वही कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट ऐसे एक्स्ट्रा जो टैन है डॉट है वो ही निकालने के लिए हम क्लीनअप कर रहे हैं। तो हमारा पार्लर का काम हो गया है, हम घर में आ गए हैं। देखिए क्लीन लग रहा है अभी फेस, साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना था तो मैंने ऐसे नॉर्मल ठंडे पानी से, एकदम भी ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल जो हमारा रेगुलर टैप वाटर है उससे फेस क्लीन किया है। और कैसी लग रही हूँ मैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा एक ये था, मुझे आपसे कुछ कहना था कि अगर आप यहाँ पे कोई हुबड़ी के पास में कोई टेलर होगी या फिर डिज़ाइनर होंगे जो अच्छे अच्छे ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, तो उनको अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनके आपका एड्रेस मुझे कमेंट में बताइए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तो मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, उसमें आप मुझे आपका एड्रेस मैसेज कीजिए, मैं आपके शॉप में आके अपने ड्रेस डिज़ाइन करवाऊँगी। और आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे ड्रेस जो पुरानी साड़ियाँ हैं उसको रीयूज़ करने के, तो उसके इमेजेस होंगे या फिर कुछ आइडियाज़ होंगे तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज, आप पब्लिक में कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और सिर्फ इंडियन वेयर के, वेस्टर्न वगैरह नहीं करवाना है हमें उस साड़ी का, जो इंडियन टच दे के, वेस्टर्न भी बोले तो इंडियन टच दे के, जैसे लहंगा चोली हो गया या फिर वन पीस हो गया, जो लॉन्ग गाउन होता है वो, या फिर ड्रेस हो गया, ऐसा कुछ आइडिया हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। आप आइडिया को मैं ज़रूर शेयर करूँगी सबके साथ। कमेंट कीजिए, आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, पर प्लीज़ अच्छे मैसेज कीजिए, जो फालतू लोग होते हैं या फालतू की चीज़ें बोलते हैं वो मैसेज मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कीजिए कि दूसरों का हर्ट हो, तो आप अच्छे मैसेज कीजिए तो मैं आपके जो ओपिनियंस है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो शेयर करूँगी अपने चैनल पे, या फिर कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं ज़रूर करूँगी। आपके बर्थडेज होंगे तो आप फोटो सेंड कर सकते हैं, आपका बर्थडे जब डेट है वो शेयर कर सकते हैं, मैं मतलब शेयर करूँगी सबके साथ बर्थडे वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और मैंने यहाँ रखे हैं, मैंने जो साड़ियाँ बताई थी ना कि मैंने जो स्टफ़ निकाला है वो मैं दिखाती हूँ। ये एक डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है, और उसके बाद ये जामुन कलर की एकदम ब्लू, ये मतलब ये थोड़ा सा, और ये लहंगा वगैरह इसका सिलाना है। तो आपके पास कोई आइडिया होंगे तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, या फिर आपके यहाँ हुबड़ी में, हुबड़ी धारवाड़ में अगर आपके शॉप्स होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं नागपुर में नहीं हूँ, फिलहाल नागपुर में रहा रहता तो मैं नागपुर में सिला लेती हूँ, तो नागपुर में नहीं हूँ मैं, यहाँ हूँ कर्नाटका में हुबड़ी में। तो हुबड़ी के आसपास जो लोग हैं जो वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मुझे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिए क्योंकि वहाँ मैं रील्स डालती हूँ, जैसे मैं यूट्यूब में भी रील्स डाल रही हूँ अभी, तो मैं इंस्टाग्राम में भी रील्स डालती हूँ। यूट्यूब में ज़्यादा रील्स डालना पॉसिबल नहीं होता, तो जो इंस्टाग्राम में है वहाँ मैं जो रेसिपी बनाती हूँ उसकी फ़ोटो शेयर करती हूँ, जो ड्रेसेस वगैरह वेयर करते हैं उसके मैं पोस्ट शेयर करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए। और आज के वीडियो के लिए इस बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।